जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम तो कब के ही हो गए। बोर्ड का रिजल्ट वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया तो आगे हम क्या करेंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा? कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से कॉम्पिटिशन की तैयारी करें? क्या आप भी इसी कैटेगरी के अंदर हैं? या चलिए क्या करना है इसके बारे में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज वीडियो के अंदर बताऊंगी। रिजल्ट के वेट करने के फायदे या नुकसान, और अगर नहीं वेट करते हैं तो उसके फायदे या नुकसान। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें, और फिर हर उस बच्चे ने जिसने बोर्ड का एग्जाम दिया है, हर पेरेंट को और टीचर को जो भी कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए हैं, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। देखिए क्या होता है कि बोर्ड का एग्जाम बच्चे अक्सर 10th और 12th में ही देते हैं, और मैं खाली सीबीएसई की बात नहीं कर रही हूं, मैं सारे स्टेट बोर्ड्स और आईसीएसई की बात भी कर रही हूं। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हम नेशनली इवैल्यूएट हो जाएं या स्टेट वाइज इवैल्यूएट हो जाएं और पता चल जाए कि हम कहां पर हैं। तो बोर्ड के रिजल्ट, बोर्ड एग्जाम के अपने फायदे हैं और अपने नहीं फायदे वाली चीज भी है। लेकिन क्या बच्चों को वेट करना चाहिए? भाई सबसे पहला चीज ये कि अपने आप से सवाल पूछिए। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं ना, पता है ना कि आप कौन से पायदान वाले, भाई कितने परसेंटेज मार्क्स, अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो कितने परसेंटेज मार्क्स लेकर आएंगे। ये सारी बात बोलते वक्त मैं बिल्कुल तय हूं, अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हूं। बहुत सारे स्कूल्स तो अभी तक ये सोच के बैठे होंगे बोर्ड का रिजल्ट आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि आपको पीसीएम मिलेगा या पीसीबी मिलेगा या कॉमर्स मिलेगा, ह्यूमैनिटीज मिलेगा। भाई प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लीजिए ना आप, अगर ऐसा लग रहा है। इस बार तो वैसे टर्म 1 टर्म 2 था। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग कवायद लगा रहे हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 की अलग मार्कशीट आएगी, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कंबाइंड होकर कोई टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा, एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आएगी। खैर जो होगा वो तो अब आपको पता चल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दूर की बात रह नहीं गई है। जुलाई एंड तक सारे रिजल्ट आ ही जाएंगे किसी ना किसी वक्त पर। तो मार्कशीट टर्म 1 टर्म 2 टर्म की आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही खाली खाली सी बातें हैं। आपको ये तय करना है कि आपको किस दिशा में पढ़ना है, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर कितना जोर है, इंटरडिसिप्लिनरी होने पर बहुत सारा जोर है। आप ह्यूमैनिटीज के होते हुए भी मैथमेटिक्स ले सकते हैं, इन सारी चीजों पर जोर है। और अभी आपने सुना होगा ना, वाराणसी में 300 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के होलिस्टिक होने पर, कौशल प्रवीण होने पर, मतलब वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग होने पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा ड्रिवन चीजें होने पर, लर्निंग आउटकम्स कैसे निकल पाते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर एक दूसरे से पूरा एक समागम किया। लोगों ने अपनी अच्छी चीजें प्रेजेंट करी, दूसरों से अच्छी चीजें सीखी। तो तय है कि अगर हायर एजुकेशन के अंदर ये सारी चीजें जुड़ रही हैं, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ना, बोर्ड की परसेंटेज की जितनी वैल्यू है बस उतनी ही रह जाएगी, क्योंकि सीयूईटी आ गया है और ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना, और उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स और यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल कोर्सेज आपको तय करने हैं। तो देखिए, इन एग्जाम्स को दीजिए सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, इन एग्जाम्स को दीजिए अपने आप को ये आंकने के लिए कि मैंने पढ़ाई करी और किस लेवल पर मैं खुद हूं। लेकिन मार्क्स हर एक मतलब सवाल पूछे ना, हर 80% लाने वाला बच्चा क्या उतनी ही नॉलेज रखता है, उतना ही ज्ञान रखता है? ऐसा नहीं है ना। कई बार मार्क्स किसी बहुत सारे कारण से नहीं आ पाते। तो देखिए, बोर्ड के रिजल्ट का वेट ना भी चाहें तो भी नेचुरली करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट पर रिलीज होगा। सारे स्टेट बोर्ड ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, सिर्फ सेंट्रल बोर्ड, क्योंकि उसने नहीं किया है, तब तक रिजल्ट अटका हुआ है। आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें। आपको जो कंपटीशन उठाना है उसको कंपटीशन को उठाएं और उसके ऊपर स्टडी करें, प्रोफेशनल से बात करें, पूछे क्या करना है और अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। आप कुछ ऐसे कोर्सेज वोकेशनल के पिकअप कर लें जो आपके लिए पिलर्स बन सकते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर वर्क करें, अपनी फिटनेस के ऊपर और एजिलिटी के ऊपर वर्क करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करें, और सबसे बड़ी बात मैंने पहले अपने वीडियोस में कहा है, योर सेल्फ एस्टीम इज गोइंग टू टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। आज मैंने अपने वीडियो के अंदर सारे उन बच्चों से बात करी है जो अभी हायर एजुकेशन में जाने के लिए वेट कर रहे हैं 12th के रिजल्ट के बाद, और 10th के वो बच्चे जो शायद कुछ सब्जेक्ट्स को चुनने के लिए वेट कर रहे हैं, और अपने पेरेंट्स भी उनके ऐसे ही वेट कर रहे हैं। बी वेरी क्लियर इन योर माइंड,
ये एग्जाम्स का रिजल्ट जो आना है वही आएगा। मैं बहुत ज्यादा खुले शब्दों में कह नहीं पा रही हूं क्योंकि एक ओपन मंच है, पर शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट छोड़ें, और अगर आपको कोई एक बात भी सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।